मोदी जी, एक बड़ी शिकायत उन सब लोगों की यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। कोई बेल पे है, कोई जेल में है, क्या लड़े कैसे? जो लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करते हैं, अब देखिए, नाचना नहीं तो आंगन बांका, ऐसा कैसी कहावत है ना, आंगन टेढ़ा, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, हाँ ऐसी कहावत है। अब पराजय निश्चित है। अब सवाल यह है कि एक तो है भी मॉरल विक्टरी घोषित करो, दूसरा है ईवीएम को गाली दो। अब आपने देखा होगा कि तीसरे चरण के बाद ईवीएम मैदान में आ गया है। ईवीएम के लिए रोना धोना, आंकड़े क्यों पहले नहीं आए, बाद में क्यों नहीं आए, ड्यूरिंग इलेक्शन हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में विवाद खड़े कर दिए जाते हैं। मतलब बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भारत के लोकतंत्र की दुनिया में प्रतिष्ठा न बने, भारत का लोकतंत्र बहुत जीवंत है, भारत के मतदाता बहुत जागरूक है, भारत की चुनाव प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, इस पर वो सवालिया निशान खड़ा करना चाहते हैं, ताकि दुनिया में, और ये हरकत छोटी नहीं है जी, इसको गंभीरता से लिया जाए, और जो भी भारत को प्यार करते हैं उन सबको इस संकट को समझना होगा कि इस मामला सिर्फ ईवीएम कहकर के चुनाव का पराजय का ठिकरा फोड़ने वाला है इतना नहीं है, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही सवालिया निशान दुनिया में लग जाए, ये इनका इरादा है। भारत में बेइज्जती, भारत की दुनिया में बेइज्जती हो इसका खेल है, और मोदी जीत जाए तो आज दुनिया में जितने इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, यानी ट्रू सेंस में डेमोक्रेटिक बॉडीज हैं, इस चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री दुनिया की सीनियर कैटेगरी में आ जाएगा डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में। इनको अभी से हिसाब किताब लगाते, उनके भी तो एडवाइजर है ना, उसी डर में सब हो रहा है।